नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। मुंबई में तूफान के बाद बारिश, आधे घंटे खड़ी रही फ्लाइट्स, कुछ डायवर्ट की गई। मुंबई में सोमवार शाम अचानक मौसम बदल गया, धूल भरी आंधी के बाद बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवा और आंधी से दिन में ही रात सा नजारा दिखने लगा, अंधेरा छा गया। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हुई, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डायवर्ट किया गया, कुछ के समय में बदलाव किया गया है। उधर मौसम विभाग ने MP छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली CM हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, केजरीवाल के PA ने पीटा। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सोमवार को दिल्ली CM हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार ने मारपीट की। यह दावा भाजपा के IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने किया। पुलिस ने बताया CM हाउस से PCR कॉल आई थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस सिविल लाइन्स स्थित CM हाउस पर पहुंची। हालांकि मालीवाल ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटाया, वोटर ID लेकर चेहरा मिलाया, FIR दर्ज। हैदराबाद से भाजपा कैंडिडेट माधवी लता ने एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के ID मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और ID से मिलान की। लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। माधवी AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। मोदी समेत 28 के खिलाफ याचिका दाखिल, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला। मोदी समेत 28 के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मामला कोरोना के दौरान लगाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट से जुड़ा है। 23 मई को सुनवाई होगी। हाल में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी AstraZeneca ने माना है कि उनकी COVID-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने इसी फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाई है। भारत में 175 करोड़ कोविशील्ड की डोज लोगों को दी गई है। मोदी का वाराणसी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, CM योगी रहेंगे रथ पर, 10 लाख की भीड़ जुटेगी। PM मोदी वाराणसी में 6 किलोमीटर रोड शो करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शाम 5 बजे रोड शो शुरू होगा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा। करीब 5 घंटे से ज्यादा समय मोदी जनता के बीच रहेंगे। 10 लाख लोगों को रोड शो में जुटाने की तैयारी है। मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मंगलवार को नामांकन करेंगे। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग, आंध्र प्रदेश में विधायक वोटर ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़े। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में YSR कांग्रेस MLA अन्ना बाथुनी शिव कुमार ने एक वोटर को थप्पड़ जड़ दिया। चौथे फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 380 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद 20 मई, 25 मई और 1 जून को 163 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की लखीमपुर में 2 वोटर्स पर तेंदुए ने किया अटैक, 13 सीटों पर 6 घंटे में 39% वोटिंग। यूपी में चौथे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लखीमपुर खीरी में वोट डालने जा रहे 2 वोटर्स पर तेंदुए ने अटैक कर दिया, इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चौथे फेज में 1 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 10 सांसदों की साख दांव पर लगी है। 4 हाई प्रोफाइल सीटों में लखीमपुर खीरी, कन्नौज, इटावा और उन्नाव शामिल है। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हिंसा के बाद लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान ने मिलिट्री रेंजर्स तैनात किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों को लेकर लगातार चौथे दिन प्रदर्शन जारी है। रविवार को जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी की पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत विफल रही थी। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। हालात कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की पैरामिलिट्री के रेंजर्स को तैयार किया गया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी से निकले ठंडे लावा से 41 मौतें, इनमें 2 बच्चे शामिल। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। चट्टानों और पहाड़ों के पत्थर मलबे के साथ ही ज्वालामुखी का ठंडा लावा भी रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर तबाही मचा रहा है। अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहरों में सड़कें टूट गई, 100 से ज्यादा घर मस्जिदें तबाह हो गई है। सोने चांदी की कीमत में गिरावट, सोना 518 रुपए सस्ता होकर 72,490 रुपए पर आया। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार
10 ग्राम 24 कैरेट सोना 518 रुपए सस्ता होकर 72,490 रुपए पर आ गया है। चांदी की कीमत भी कम हुई है। 1 किलो चांदी 950 रुपए सस्ती होकर 83,265 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले चांदी 84,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।